एक बहुत कंजूस आदमी था, गंगा जी नहाने नहीं जाता था इसलिए कि कहीं पंडित कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ, नहाए एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी होगी तुम गंगा नहीं नहाए। तो सबने जिद की, पत्नी ने भी कहा जाओ, तो वो चुपके से गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज्यादा है और कहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं। तो वो गंगा के किनारे चलता चलता चलता, सब जगह भीड़ थी, माघ का महीना था। अब वो चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया, यहां भीड़ नहीं है। बोले यहां नहा लूं तो यहां पंडा आएगा नहीं, नहीं तो पंडा नहाओ और पंडा खड़ा, चल निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा करा, चल गया जी मैं। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा, यहां कुछ नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है, कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख ना ले। वो बड़ा पैसे वाला था पर कंजूस बड़ा था, तो शमशान में जाके डुबकी गंगा जी में लगाया। और भगवान शंकर तो शमशान में ही विराजते हैं, शंकर जी को लगा जरा आज इसके साथ थोड़ा खेला खेली कर लें, तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया, अरे तुम कहां से आ गए? अरे बोले हमारा ये ठेका है, यहां जो भी नहाता उससे हमें ही वसूली करनी होती है, चलो ले आओ। नहा ली आप ला, अरे हम इसीलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े, ना ना यहां तो देना ही पड़ता, शमशान ही, यहां से तो बच के कोई जाता नहीं। अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले देखो हम वैसे लालची तो नहीं है, पर तुम दो कितना दोगे ये बताओ। उसने बोला एक पैसा दूंगा। हाँ हाँ शंकर जी बोले चल मैं एक पैसे से खुश हूं, चल ला। अभी नहीं लाया कुछ नहीं हूं उधार, एक पैसा दूंगा वो भी उधार। तो शंकर जी बोले ठीक है, तो लिखवाओ फिर अपना एड्रेस वगैरह यहां। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, कहाँ के हो? फलानी गली, मकान नंबर फलाना। यहाँ के हो? हाँ सही है। हाँ मोबाइल नंबर? नहीं मोबाइल रखते ही नहीं। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला घर, और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी एक पैसा निकालो। दरवाजा खोला पत्नी ने, क्यों फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं, तो उनसे बोलना कि एक पैसा हमारा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी आपसे कोई एक पैसा लेने आया उधार? क्या लिया आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका एक पैसा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा सुनो कह दो कि घर पे नहीं है, जा। अब पत्नी गई बोले मैं अभी तो कह के आई हूं कि घर। अरे कह देना मैं भूल गई थी। अच्छा पत्नी गई, सुनो जी महाराज हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, कहीं गए। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतजार हमारा तो कोई है नहीं, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा ये भगवान ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, क्यों जी एक पैसा नहीं देते तो वो खाने का भी बोल रहा है। खाएगा भी। तो यजमान जी बोले अच्छा एक काम करो, बोल दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर गई, सुनो जी हमारे पति की तबीयत खराब हो गई, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत खराब हो गई? अरे हम डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं, लाओ कहां था भाई। अब पत्नी फिर आई, सुनो जी कह रहा तुम्हारा इलाज करेगा। बोले इलाज पता नहीं क्या करता, एक पैसा तो अभी उतारा नहीं, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा लेता है, इससे इलाज नहीं कराएंगे।
अच्छा एक काम करो, कह दो कि पति, कह दो तुम कि हम मर गए। पत्नी ने कहा ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और हमसे कह रहे हैं मर गए। हम नहीं कहेंगे पति मर गए। अरे एक काम कर, मैं पड़ जाता हूं सांस बंद करके। वो सचमुच लेट गया। अब जब लेट गया तो पति ने कहा सुन ऐसे ना जा, जरा रोती रोती जा, ये सुनेगा कि मर गया तो चला जाएगा, एक पैसा तो बचेगा। अब वो मरने का नाटक किया और पत्नी रोती, महाराज महाराज बीमार थे, पता नहीं क्या हुआ, प्राण निकल गए। अच्छा शंकर जी बोले मर गया? हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम घर में अकेली हो ना? हाँ। बोले मर गया तो उठाएगा कौन? मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। अब भगवान जी ने, शंकर जी ने सारे गांव वालों, सुनो सुनो यजमान जी मर गए, सुनो सुनो यहाँ आओ, ये फलाना मर गया, जरा आओ। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठा, वो पड़ा है और पत्नी की तरफ बार बार यूं यूं करे, अभी है कि गया? अरे वही तो लाया गांव वालों को, कहाँ गया? थोड़ा देर मरी पड़े रहना। अब वो पड़ा मरा, गांव वाले अर्थी तैयार कर रहे हैं। हाँ वो रो रही है और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, कितना कंजूस है, मर गया पर एक पैसा नहीं दिया इसने। अब गांव वाले बोलो देर ना करो, उठाओ। उठा के अर्थी पे, उस पे अर्थी पे रखा। अब ले जाने लगी तो पत्नी ने पकड़ लिया, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, मत ले जाओ। अब गांव वाले बोले राम राम, बड़े दुख में इतनी पागल हो गई, कहती है नहीं मरे। हाँ हाँ दुख में आदमी ऐसी कहता नहीं मरे। अब वो माताएं महिलाएं पकड़ पकड़ के, बहन सब में सब यही कहते नहीं मरे नहीं मरे, तुम सही कह रही हो पर मर गए, अब क्या करोगे। अब उसको पकड़ लिया। अब वो रोती रोती कहे क्यों जी, आप ही क्यों नहीं कह देते हम नहीं मरे। अब गांव की महिलाएं उसको बिठाए और बढ़िया कह रही है सुन, सब ऐसे ही करते हैं जब जिसके घर ऐसा होता ना, तू से भाव में डूब रही है, मर गए हैं तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा, सबको ऐसे ही लगता, किसी को विश्वास होता ही नहीं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो नहीं मरे, क्यों जी आप ही क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मरे। पर वो काहे को कहे कि मैं नहीं मरा, उसे लग रहा था कि ये कब जाए और कब मैं उठ के बैठ जाऊं। पर शंकर जी आगे आगे, अब गांव वाले लेके चले। अब ये पत्नी बड़ी परेशान, हे भगवान सचमुच ना फूक दें लोग। अब वो शमशान तक पहुंच गया, लेटा लेटा सांस रोक के रोक के धीरे धीरे सांस लेता। चिता सजाई गई और चिता पे रखा गया, फिर भी उसने नहीं कहा कि मैं नहीं मरा। तब शंकर जी ने कहा यजमान जी अब आग लगाने का नंबर है, अब मौका नहीं मिलेगा, अब बताओ लगा दें। फिर भी वो आंख ना खोले, तब शंकर जी समझ गए एक नंबर का कंजूस है ये। तब शंकर जी बोले अच्छा मैं किसी के भांग धतूरा से प्रसन्न होता हूं, आज मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हो गया, चल बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है। तो उठ के बैठ गया, बोले देना ही है तो कुछ मत दो, जो एक पैसे को कहा था वही छोड़ दो, वही छोड़ दो। शंकर जी ने कहा जा छोड़ा, वो अपने घर चला गया शंकर जी। तब से शंकर जी को भोला भंडारी कहने लगे, बड़े भोले हैं शंकर जी, उसको भी मिल ही गए। तो कंजूसी ऐसी ना हो, ईश्वर यदि हमें दिया है तो हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि परोपकार ही हमारा परम धर्म होता है ना। तो हम अहंकार ना करें कि हम कुछ हैं, हम कौन हैं, मैं केवल राम का दास हूं।